अभी को एग्जांपल नंबर 12 करते हैं और आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना एग्जांपल नंबर 12 को, क्योंकि ये ऐसा पहला एग्जांपल है जो हम पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसा कुछ पढ़ा था स्पेशल केस y इज इक्वल टू साइन एक्स का, पढ़ा था क्या कि ये ए वन है और ये ए टू है, अलग अलग फाइंड करके इसको हम इसमें मॉडुलस लगा के फिर इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा हमने देखा था, ठीक है। तो अभी ये कंसेप्ट ही आएगा इसमें, लेकिन इसको हम बुक वाले मेथड से नहीं करके अपना जो मेथड चला आ रहा है उसी से कर देंगे हम इसको। अब देखो एग्जांपल नंबर 12 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, ठीक है, वाई इज इक्वल टू 3x+2 एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स। देखो क्या क्या अपने पास, x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1 एंड कॉमा x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 एंड y इज इक्वल टू 3x+2 ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये देखो, अगर हमने 9th या 10th क्लास अच्छे से की है तो हमें पता है कि हम क्या करते थे, टेबल बना के इसको सोल्व करते थे कि नहीं करते थे, बताओ ऐसे वो, हाँ या ना। अब देखो मैं x इज का 0 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 2 आएगी नहीं आएगी। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूंगा तो ये माइनस का 2/3 आएगा नहीं आएगा x की वैल्यू, या x की वैल्यू -2/3 रख दो आप, ठीक है। तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, चलो पहले तो 1 और 2 का होगा क्या बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ भी होगा क्या, नहीं होगा। तो 1 और 3 का होगा, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1 है ये, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 एंड y इज इक्वल टू 3x+2 इक्वेशन नंबर 3। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, देखो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 3 × -1 + 2 तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 होता है -1, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, देखो x की वैल्यू -1 और ये भी -1, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, बाद में लिख देंगे, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 × 1 + 2 तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, सो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या गया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम बनाना है, वही सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। अब देखो एक तो क्या है, x इज इक्वल टू -1, तो जैसे ये है ये -1 तो x इज इक्वल टू -1 और ये है x इज इक्वल टू 1, ये 1, 0 ये -1, 0, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो लाइन है कौन सी आपकी, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 3x+2,
अब इसके देखो जो कोऑर्डिनेट्स है 0, 2, तो बताओ 0, 2 कहाँ पे आएंगे बताओ, 0 एक्स एक्सिस पे 0, तो 0, 2 यहाँ पे होंगे नहीं बताओ। जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो ये पॉइंट होगा नहीं होगा बताओ 0, 2। अब एक क्या है 0, -2/3, तो -1 और 0 के बीच में -2/3 होगा नहीं होगा बताओ। 0 और -1 के बीच में -2/3 होगा, तो जैसे यहाँ पे होगा ये पॉइंट, तो ये -2, 2/3, 0 हो गया, और ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 0। ठीक है, अब देखो ये इन पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन बताओ y=3x+2 है कि नहीं बताओ, ये वाला लाइन है कि नहीं है, है क्या? अब देखो ये x=-1, ये पहली लाइन है और ये तीसरी लाइन है, तो बताओ इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बताओ, -1, -1 है कि नहीं बताओ। इसका डायग्राम ये बस मैन जो है, बाकी कैलकुलेशन इसके एकदम इजी है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बताओ, इसके कोऑर्डिनेट इसके 1, 5। अब देखना इसमें बोल रखा है कि एक्स एक्सिस और ये तीनों लाइंस, इनके बीच का जो भी एरिया होगा वो आपको फाइंड करना है। अब 2 मिनट के लिए आप पेंसिल को, जो भी पेन आपके पास उसको आराम दे दो, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ 2 मिनट, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान देना आपको। अब देखो एक्स एक्सिस पे और इन तीनों लाइन से, एक तो ये है और एक ये वाला है। अब ऊपर वाला तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, दिक्कत देगा कौन सा, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। अब ये वाला नेगेटिव आ रहा है, तो हमें क्या पढ़ा था कि यहाँ से यहाँ चलेंगे प्लस यहाँ से यहाँ चलेंगे, इसको मॉडुलस लगा देंगे, ये सीखा था हमने, ठीक है। लेकिन इसको हम इजी मेथड से करेंगे, कैसे, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब ये इस तरीके से है, देखो ये है -1, 0, ये है -2/3, 0, और ये है आपका -1, -1। अब देखो मैं इसको, ये नीचे की तरफ है, अब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो बताओ ये ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, कि ये तो हो गया -1, 0, ठीक है, और ये हो गया आपका -2/3, 0, और ये वाला हो गया आपको -1, -1। ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, सीधा करेंगे तो उसको, ठीक है। अब देखो सीधा करने पे क्या हो गया, आपको इसके नीचे का एरिया फाइंड करना है, जैसे इसके नीचे का एरिया फाइंड करना आपको, मतलब आपको इसके नीचे का एरिया फाइंड करना है, तो आप कहाँ से कहाँ चलोगे बताओ, कहाँ से कहाँ चलोगे, -1 से -2/3 चलोगे नहीं चलोगे, ठीक है, -1 से -2/3 चलोगे आप, ठीक है, -1 से -2/3, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ऐसे फाइंड करना है, ठीक है, समझ में आया क्या आपको, इसको सीधा करके अगर हम करेंगे तो ऐसे फाइंड करना आपको, वरना आपको कहाँ से कहाँ चलना होता, देखो इस तरीके से फाइंड करते हैं हम नीचे का एरिया, ठीक है। तो -2/3 से आपको चलना होता किसकी तरफ, -1 की तरफ, ठीक है, और अब -1 से आपको कहाँ जाना है, -2/3 की तरफ जाना है, आ रही की पसंद आपको, अब देखो फिर इसको हम ऐड कर देंगे इसमें, ये कहाँ से है, -2/3 से 1 की तरफ है, आ रही पसंद आपको, ठीक है। तो देखो
इसमें ये है कि अगर हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ चलेंगे माइनस का वन से माइनस का टू बाई थ्री, तो आपको इसको उल्टा करना है। तो ये देखो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा देखो। तो आपको यहाँ से यहाँ चलना है फिर, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं ना, क्योंकि हम यहाँ से आए तो जाना है, ठीक है। फिर तो वो ये जाएगा कि आपने इसको उल्टा भी कर दिया, फिर भी आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, माइनस वन से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव मतलब। आप इसको इस तरीके से बनाओ, ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ, समझ रहे हो क्या आप, यहाँ से यहाँ, समझ रहे हो क्या, इसको हम उल्टा कर रहे हैं इसको हम, तो ये जो लिमिट्स है वो भी उल्टी होगी, नहीं होगी बताओ, होगी नहीं होगी। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी शायद तक कि अगर लिमिट्स को उल्टा करेंगे तो माइनस साइन आ जाता है, पढ़ी थी क्या आपने प्रॉपर्टी P1 7.11 में। तो अगर ये यहाँ से यहाँ पर है, अब माइनस में है ये, फिर ऊपर कर दो उसको, तो लिमिट चेंज कर दो, तो एक माइनस और लग के प्लस हो जाएगा वो, तो ये माइनस टू बाई थ्री से माइनस का वन होगा नहीं होगा बताओ, P1 प्रॉपर्टी से, अगर ऐसे भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो। देखो उसको, अब मैं इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, आपको लिखना नहीं है, एक बार 5 मिनट बाद में लिख लेना, पहले हम देखें कि इससे अपना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, अब मैं इसको ओ, ये ओ हो गया अपना, जैसे A1, ये A1 है अपना और ये A2 है, तो देखो एरिया ऑफ रीजन A1, ठीक है, A1 हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा YdX माइनस टू बाई थ्री से माइनस वन, ठीक है। अब इसके लिए Y कहाँ से आएगा, देखो इससे आ रहा है YL, तो ये जैसे L1, ये L2 और YL3, तो ये YL3 है, ठीक है ना, क्योंकि Y यहाँ से आएगा, समझ में आ रही की बात आपको, Y कहाँ से आएगा, किस लाइन से आएगा, YL3। तो देखो यहाँ पे A1 है ये, और ये हो जाएगा माइनस का 2/3 से माइनस का 1, अब L3, तो ये 3x प्लस में 2dx, तो A1, और ये हो जाएगा 3x² / 2 प्लस में 2x माइनस का 2/3 से माइनस का 1। तो A1 कितना आ गया, देखो माइनस वन रखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, फिर प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, फिर माइनस, अब 3 × 2² 4, तो 3 × 4 = 12 है, अपॉन में 6 आ जाएगा, नहीं 3² 9, फिर प्लस माइनस हो जाएगा ये, माइनस का 4/3। तो बात समझ में एक नहीं है तो आपको, ये वाली कैलकुलेशन आई कि समझ में आपको कि कैसे किया हमने, ठीक है। तो अब A1 कितना आ जाएगा बताओ, ये 4 3 - 4 माइनस का 1/2, फिर माइनस, ये देखो कितना आ जाएगा 18, ठीक है, तो 12 है माइनस में, तो माइनस का 12 है अपॉन में 18, माइनस माइनस प्लस, और ये किससे 6 से हो रहा है कैंसिल, तो 6 × 2 = 8 और 6 × 3 = 3। A1 कितना आ गया बताओ, A1 तो ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4, तो 1/6 आएगा नहीं आएगा बताओ, ये 1/6, वन बाई सिक्स ही आएगा ना,
ये इक्वेशन नंबर वन हो गई, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रीजन ए टू वाई एल थ्री डी एक्स, और ये हो जाएगा क्या माइनस का टू बाई थ्री से कहाँ तक, वन तक, ठीक है। तो ये देखो ए टू इज इक्वल टू माइनस का टू बाई थ्री से प्लस का वन, और ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस में टू डी एक्स। तो ए टू इज इक्वल टू कितना रहे देखो, थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में टू एक्स माइनस का टू बाई थ्री से वन। देखो सेट कर देते हैं इसको, ए टू इज इक्वल टू थ्री बाई टू आ जाएगा प्लस में टू आ जाएगा फिर माइनस, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व है अपॉन में एटीन, फिर माइनस में वही आएगा ये फोर बाई थ्री। तो ए टू इज इक्वल टू कितना आ गया देखो, ये तो आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा सेवन बाई टू, फिर माइनस इसको सोल्व किया तो कितना है टू बाई थ्री आया था प्लस में टू बाई थ्री। ए टू कितना आ गया देखो, ये सिक्स आ जाएगा, फिर ट्वेंटी वन प्लस में फोर ट्वेंटी फाइव, तो ट्वेंटी फाइव और वन ट्वेंटी सिक्स बाई सिक्स कितना आ जाएगा देखो, थर्टीन बाई थ्री आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक आप नोट कर लो, यहाँ तक। यहाँ तक लिख लिएगा आपने ये वाला ए वन वाला, ठीक है। देखो देखो रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ए वन प्लस में ए टू, इट इम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया ए वन कितना है वन बाई सिक्स प्लस में ए टू कितना है ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू थर्टीन बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है।